यूपी के बलिया में तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी मनाना कुछ युवकों पर भारी पड़ गया। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी युवकों की धरपकड़ शुरू कर दी। सवाल यहां पर यह है कि संकट और संक्रमण के इस वक्त में क्यों लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी के जश्न का जुनून ऐसा कि न कानून का डर और न ही कार्रवाई का खौफ। लग्जरी कार की छत पर एक लड़का तलवार लेकर केक काटने की तैयारी कर रहा है। वीडियो में इस लड़के का एक दोस्त भी दिख रहा है जिसके हाथ में तमंचा है और वो केक काटते ही फायरिंग करने के लिए तमंचे में गोली भर रहा है। तलवार थामे युवक ने जैसे ही बर्थडे का केक काटा, फौरन ही उसके साथी ने तमंचे से फायर कर दिया। कार की छत पर तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी की ये वीडियो यूपी के आजमगढ़ के मनियार इलाके के बड़की बारी गांव का। कानून को ताक पर रखकर कुछ लड़कों ने खुलेआम इस जश्न का वीडियो भी बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तलवार और तमंचे के साथ पार्टी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने तलवार से केक काटने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वीडियो में दिख रहे दो लड़कों की तलाश की जा रही है। मनियार थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये ग्राम बड़की बारी है मनियार थाने के अंतर्गत, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का जो केक काट रहा है उसका नाम कृष्णा यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया है और तलवार भी बरामद की गई है। कृष्णा यादव का ही जन्मदिन मनाने की बात प्रकाश में आई है और फायर करने वाले लड़के को शंकर यादव के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके साथ में एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो विनोद यादव है गंगापुर का। सर, ये कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है सर इसमें? इसमें अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है, हो सकता है कुछ लोग और हो जो वीडियो में ना आए हो, तो जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लड़के से पूछताछ के बाद उन लड़कों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा जो मौके पर मौजूद थे लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे। उम्मीद है कि वीडियो बनाने के नाम पर कानून को हाथ में लेने वाले इस युवक को पुलिस की कार्रवाई से सबक जरूर मिलेगा। आज तक ब्यूरो।